वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन देखे थे, और इसकी मदद से हमने प्रूफ करके दिखाया था कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, मैंने ये भी प्रूफ करके दिखाया था कि एनर्जी इंट्रैक्शन, खास करके जो इंटर एनर्जी है, वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक पाथ फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ टू स्टेट्स पे, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। और आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होता है, जिस प्रकार से हमारा यूनिवर्स है उसका एनर्जी कंजर्व है, वो कैसे कंजर्व है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को परपेचुअल मोशन मशीन जो फर्स्ट काइंड का होता है उसके वो भी इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। मेरा गेट का बेस्ट AIR था 159। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसका एक एक वीडियो मैं अपलोड करता जा रहा हूं। तो यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं चेक किए तो सबसे पहले प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके उसको चेक कीजिएगा। चलिए देखते हैं, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, ये कैसे होता है ये समझते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का रूल लगाएंगे इसमें। थर्मोडायनेमिक्स का रूल कहता है कि भैया हीट ट्रांसफर यानी डेल क्यू इक्वल टू होता है DE चेंज इन एनर्जी प्लस डेल W वर्क डन। ठीक है, तो ये होता है अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है तो भैया सराउंडिंग नहीं है, सराउंडिंग नहीं है तो हीट का तुम देगा उसको। अरे हीट का भाई बाहर से सराउंडिंग से आता है या जाता है ना, तो सराउंडिंग ही नहीं तो नहीं, तो ये किसको हीट दे सकता है, ना ही ये हीट ले सकता। अरे पैसा लेना है तुमको, पैसा लेना है तो बाहर कोई देने वाले लेने वाला रहेगा तब ना दोगे लोगे, मार्केट है ही नहीं, तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं, तो किसको पैसा दे दोगे और किससे उधारी ले लोगे। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम है इसीलिए ये ना तो किसी से हीट ले सकता है और ना ही किसी को हीट दे सकता है। ठीक है, तो हीट इंट्रैक्शन जीरो। काम करने के लिए आपको बाउंड्री वर्क चाहिए, आप सामने वाला कोई रहेगा तब तो काम करोगे, कोई चीज़ रहेगा उस पर तो काम करोगे या फिर वो आप पे काम करेगा। भाई काम करना नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो कि सिस्टम पे काम कैसे होगा। भाई भाई तुम पे तो काम है, तुमको धक्का देगा, कोई धक्का देने वाला रहेगा तब ना काम होगा तुम पे। ठीक है, फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा तब ना, जब सिस्टम ही नहीं है भाई। या तुम फोर्स लगाओगे तो फोर्स तुम्हें जानते हो कि फोर्स जो होता है वो दो चीज़ें रहेगा तभी फोर्स लगेगा। फोर्स जब भी लगता है जो पेयर में लगता है, फोर्स जब भी लगता है तो पेयर में लगता है। यार तुम किसी को मारोगे तो वो भी मारेगा, भगवान का नियम है। ठीक है, और अगर तुम मारोगे और सामने वाला मारने वाला कोई है ही नहीं तो तुम भी नहीं मार पाओगे किसी को। किसको मारोगे, हवा में, हवा रहेगा तब तो मार लोगे, पर वहाँ हवा भी नहीं है तो किसको मारोगे। तो भाई अगर कोई है ही नहीं तो तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम नहीं मार सकते तुमको भी कोई नहीं मारेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान का नियम है, फोर्स तभी लगेगा जब वो पेयर में लगेगा। ठीक है, तो पेयर में लगाने वाला आप पे कोई नहीं है, इसलिए आप भी किसी पे लगा नहीं सकते हो। और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बर्डन का हवा हो जाएगा बिना फोर्स के। ठीक है, तो बर्डन भी नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना कोई बर्डन हो सकता है ना उसको कोई हीट दे सकता है। कहने का मतलब है कि एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। एनर्जी में चेंज होने का मतलब है कि जो एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एनर्जी में चेंज जीरो का मतलब होता है एनर्जी नहीं बदल रहा है। तो इससे प्रूफ हो के आता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी सदैव और सदैव जीरो होता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी में चेंज होता है वो सदैव क्या होता है भाई, जीरो होता है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हर कोई पढ़ाया होगा लेकिन किसी ने इसको प्रूफ करके नहीं दिखाया होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया एनर्जी क्यों जीरो होगा, क्योंकि भैया थर्मोडायनेमिक्स का रूल कहता है कि भाई जितना आप हीट दोगे किसी भी सिस्टम को, आप अगर कोई एनर्जी देते हो तो वो दो प्रकार से इस्तेमाल करता है, या तो वो कुछ काम नाम करेगा या फिर वो अपना इंटर एनर्जी बढ़ाएगा, अपना एनर्जी को बढ़ाएगा। जैसे आपको मैं खाना देता हूँ तो आप दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। आपने खाना खाया तो आया तो आप मोटे हो जाओगे या फिर काम करोगे, बैठ के खाते रहोगे तो मोटे होते जाओगे, यानी कि तुम्हारा एनर्जी अपना बढ़ता जाएगा। और अगर या तो फिर जाओगे जिम में पसीना बहाओगे या फिर वर्कडाउन करोगे, काम करोगे तो आपका एनर्जी कमेगा थोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको एनर्जी दिया जाता है आप दो प्रकार से इस्तेमाल करते हो। उसी प्रकार से एक नियम आया कि भैया जितना हम एनर्जी देते हैं उसका दो प्रकार से इस्तेमाल होता है, या तो इंटर एनर्जी बढ़ता है या फिर कोई काम होता है। अब भाई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका किसी प्रकार के उसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होने वाला, एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं हो सकता है क्या भाई, कोई है ही नहीं बाहर, तो एनर्जी किसको लेगा देगा भाई। ठीक है, किससे लेगा, किससे मांगेगा वो। ठीक है, ना तो वो ले दे सकता है और वो कोई काम भी नहीं कर सकता है क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, तो किसको मारेगा। ठीक है, किस पे धक्का देगा, किससे खींचेगा। ठीक है, तो कोई काम धाम वो नहीं कर सकता है। अगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, जाहिर सी बात है ये भी जीरो होना पड़ेगा। ये भी जीरो होने का मतलब है कि किसी प्रकार का भाई कोई भी एनर्जी में चेंजेज जो होगा वो जीरो होगा। एनर्जी में चेंजेज जीरो होगा इसका मतलब एनर्जी क्या होगा भाई, तो कॉन्स्टेंट होगा, एनर्जी कंजर्व होगा, एनर्जी बदलेगा नहीं। ठीक है, इससे पता लगता है कि सिंस यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इट्स एनर्जी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। चूंकि हमारा यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है इसलिए हमारे यूनिवर्स का एनर्जी
कंजर्व्ड है, नियत है, ठीक है। इसलिए हम बार बार चीखते रहते हैं एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ऐसे हम लोग रटते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अपने छोटे भाई बहनों को भी जो बार बार बस डरते रहते हैं एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको उम्मीद करते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, आपको समझा दोगे उसको कि एनर्जी क्यों कंजर्व होता है, कहाँ कंजर्व होता है, कैसे कंजर्व होता है, ठीक है, वहाँ पर आप उसको बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। परपेचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग वाला, ठीक है, इसका मीनिंग होता है जो परपेक्चुअल मैंने समझ नहीं आ रहा है जिसको वो बता देता हूँ, बाकी तो लोग जानते हैं कि PMM-1 क्या होता है, बचपन से रट के रखते हैं, ठीक है। तो परपेक्चुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड यानी PMM-1 की हम बात करते हैं, जो PMM-1 है वो इम्पॉसिबल, इसको कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है, तो क्या है पर इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर जानेंगे क्यों इसको कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो कहता है कि एक ऐसा मशीन जो हमारा से कुछ ना ले और बदले में हमको काम कर करके देते रहे, बताओ तो ऐसा कभी हो सकता है? कह रहा कोई ऐसा दुनिया में पूरा भगवान या कोई भी ऐसा कोई है क्या जो हमसे कुछ ना ले और बदले में हमको देता रहे? क्या भगवान भी ऐसे हैं क्या जो सिर्फ देते हैं लेते कुछ नहीं है? तो कहता ऐसा कोई भी मशीन यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो सिर्फ हमसे हमें दे और ले कुछ नहीं, यानी कि हमसे किसी भी प्रकार का एनर्जी इनपुट ना ले, किसी भी प्रकार का एनर्जी इनपुट ना ले और काम करके धरले से देता रहे, ऐसा संभव नहीं है। पूरी दुनिया में पूरी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि भगवान भी ऐसे नहीं है जो सिर्फ आपको काम करके देते रहे, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स का नियम ही बदल जाएगा। कोई भी अगर ऐसा मशीन बन गया, ठीक है, जो सिर्फ काम करके हमें देता रहे और कुछ ले ना, किसी प्रकार का एनर्जी इनपुट ना ले, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा यूनिवर्स का नियम ही बदल जाएगा, यानी कि एनर्जी सिस्टम का बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी ले नहीं रहा है, यानी ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस बन जाएगा जो बिना एनर्जी के पावर प्रोड्यूस करता जाएगा, यानी कि आपका यूनिवर्स का एनर्जी बढ़ने लगेगा, नहीं बढ़ेगा, काम करके दे रहा है ना जी, तो काम से हम काम करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर होने लगेगा, अगर भगवान भी के पास ऐसा हो जो कुछ ना ले और हमको कुछ देता रहे, तो भैया भाई कुछ दे दिया तो कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आ गया ना। मान लेते हैं कि लक्ष्मी जी आए तुमको आशीर्वाद दे दिए, तो पैसा अगर तुमको दो सिक्का दे दिए तो इस यूनिवर्स में 2 सिक्का 1 रुपये का बढ़ गया ना, जो RBI ने छापा भी नहीं है तुम्हारे पास पैसा बढ़ गया, हो सकता है क्या ऐसा? ठीक है, RBI ने छापा ही नहीं तुम्हारे पास पैसा बच गया, क्या वो सोना दे देंगे तो भाई वो अमाउंट बढ़ जाएगा ना, वो एनर्जी बढ़ गया ना यूनिवर्स का। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो दिन भर आप भजन कीर्तन करते रहते हो, हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हो, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहता है कि कभी नहीं हो सकता है कि कोई आके तुमको एक्स्ट्रा चीज़ यूनिवर्स के बाहर का चीज़ दे दे, ठीक है। हाँ, भगवान ज़्यादा ये कर सकते हैं कि भाई तुम अगर ज़्यादा पूजा किए, ये तुम हो और तुम ज़्यादा पुजारी हो, तो तुम्हारा इसका बड़ा छीन के तुमको दे देंगे, यहाँ पे कोई आदमी है उसका बड़ा छीन के तुमको दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने ढंग से जो इस दुनिया में है ही नहीं उसको पैदा करके तुमको नहीं दे सकते, ठीक है, इसका वाला इसका दे दिए, तो ये तो गलत बात है ना भाई, कहला ऐसा पूजा करते हो भाई, दूसरा वाला छीन के तुमको मिल जाएगा, अच्छा बात है ये नहीं ना, मेहनत मजदूरी करो बेचारा, वो भी मेहनत से कमाया है, तुम भी मेहनत मजदूरी करो, तुमको मिलेगा, दूसरा का छीना छानी मत करो। सब मिला के एक्स्ट्रा नहीं बढ़ सकता है, कितना भी भगवान चाह लें अपना देह को काट कूट लें, कुछ कर लें, कितना भी आशीर्वाद दे दें, वो जो इस सिस्टम का एनर्जी है उससे एनर्जी बढ़ नहीं सकता, जो सिस्टम इस दुनिया का रिसोर्स है वो रिसोर्स बढ़ नहीं सकता है, वही इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, वही एनर्जी कभी इसके पास कभी उसके पास जाता, ऊपर से भगवान काम करने के लिए अलग से घूस लेते हैं, पता है ना भाई, एनर्जी बिना एनर्जी के काम तो होगा नहीं, और एनर्जी दोगी उनको ना तो कहेंगे कि देखो एनर्जी दिया है, तो उतना भी हम काम करके नहीं देंगे, कुछ घूस चाहिए हमको, वो हम लोग आगे एंट्रोपी में समझेंगे कि अगर तुम उनको 100 जूल का काम देते, 100 जूल का एनर्जी देते हो, तो काम करके तुम्हें 60 जूल दे देंगे और 40 जूल वो क्या करेंगे, अपने पास फिर से उलट के वो यूनिवर्स में रिलीज कर देंगे, और कहेंगे कि देखो ये 40 जूल जब बाहर चला गया ना, बर्बाद हो गया ना, देखो ये लॉस तो हो नहीं सकता है दुनिया में, एनर्जी जितना तुमने दिया उतना रहेगा, पर इसका तुम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मेरा हो गया, लो अब ये रहेगा इधर उधर घूमता रहेगा, पर तुम्हारे काम का नहीं है ये, ठीक है, तुमको तो हम 60 जूल काम करके देंगे, बाकी ऐसे ही भटकता रहेगा, लेकिन तुम्हारे काम का वो नहीं है, ले ऊपर से घूस ले लिया वो, तो भगवान तो ऊपर से वो घूस लेते हैं जी, बात करते भगवान करके देते हैं, भगवान किसी काम के नहीं है, किसी के नहीं होते भगवान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, कहता है क्या है भाई परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर कैन बी नो मशीन विच डेवलप
work continuously, which develop work continuously without observing energy in any form. Such a kind of machine is called PMM-1. Such a device can be impossible. ठीक है, यही है PMM-1. ठीक है, कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा एक मशीन हम नहीं बना सकते जो कंटिन्यूअसली हमें काम करके देता रहे पर किसी प्रकार का हमसे किसी भी फॉर्म का एनर्जी हमसे ना ले. ठीक है, वो काम करता हुआ देता रहे. ऐसे मशीन को हम PMM-1 कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं, और इसको कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल, ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, ये हमको कहा गया. वैसे एक बतिया बताएं, हम ऐसा मशीन तुम्हें बना कर दिखा सकते हैं. देखो, मैंने यहाँ पर बना कर दिखाया है. ठीक है, एक गैस है, देखो ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है ना, सिस्टम पिस्टन अरेंजमेंट है. इधर 1 ATM टेम्परेचर है और इधर 2 ATM टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेल्सियस पे ही दोनों जगह है. अब इस पिस्टन को हम जैसे हाथ हटाएंगे, इसको पकड़ के रखा, जैसे हाथ हटाएंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इधर प्रेशर कितना है 2 ATM, इधर कितना है 1 ATM. तो जैसे अगर आपने हाथ हटाया तो ये अपने आप मूव करेगा कि नहीं करेगा? अरे मूव अगर कर गया, ठीक है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो बर्डन कर लिया तुमने, कहा इसको हीट दिया, तुमने एनर्जी दिया, इसको काम किया कि नहीं किया? तो वहाँ पे कह रहा है कि परपेचुअल मसल मशीन नहीं बना जा सकता, और मैंने बना के दिखा दिया. कोई भी बंदे में इतना क्षमता है, इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, तो मुझे कमेंट में बता दे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या सचमुच में PMM-1 बनाया जा सकता है, और अगर नहीं बनाया तो कैसे मैंने इसको बना दिया, क्या ये इसमें क्या गड़बड़ है, क्या ये PMM-1 है या फिर इसमें कोई गड़बड़ है, गड़बड़ है तो क्या है, ये मुझे बताएं. ठीक है, वर्क डन विदाउट सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी बाय हीट ETC, मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का एनर्जी इसको नहीं बाहर से दिया, ना किसी प्रकार का हीट दिया, ना कुछ दिया है, लेकिन ये काम करके हमें दे रहा है, तो कैसे दे रहा है? ठीक है, क्या PMM-1 बनाया जा सकता है? ठीक है, ये कैसे PMM-1 नहीं है, क्या गड़बड़ है? कोई अगर इसके किसी के पास भी इतना नॉलेज है, कोई भी अपना दोस्त टीचर जो भी है आपके पास, उनको ये क्वेश्चन भेजिए और पूछ के बताइए, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है, मैं आगे आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा भी, ठीक है, कि ये कैसे ये सही में बर्डन करता है, बर्डन कितना आया है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन भी कर रखा पिछले वीडियोज में. ठीक है, बर्डन मैंने करके दिखाया भी था, ठीक है, कि बिना हीट सप्लाई की ही बर्डन करके मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिखाए थे. ठीक है, जैसे मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, देखो इसको देखो ध्यान से, यह है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में दोस्त मेरे कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं होता, यानी किसी प्रकार का हीट देना लेना नहीं होता है, पर फिर भी बर्डन का फॉर्मूला आता है और बर्डन पॉजिटिव होता है. कैसे हो गया? अरे भाई कैसे हो गया, बिना हीट दिए हुए बर्डन कैसे कर रहा है ये? ठीक है, तो क्या ये जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है? क्या ये PMM-1 की ओर इशारा कर रहा है? कुछ लोग बेवकूफ़ महाबेवकूफ़ होंगे जो कहेंगे ऐसा थियोरेटिकली हो जाता है, प्रैक्टिकली नहीं होगा. अरे गधा, कैसे नहीं होगा? ठीक है, जो नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो हो सकता है. ठीक है, तो ये है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में बर्डन होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस कितने भी तुम कराए हो, कितने रियल लाइफ में एडियाबेटिक प्रोसेस पर काम करता है. अरे बहुत सारा ऐसा मान रखे हो तुम लोग, एडियाबेसिक आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, कई जो ऐसे प्रोसेस तुमने मान रखा है रियल लाइफ में, पावर प्लांट में मैंने ढेर सारा पढ़ाऊंगा तुम्हें. ठीक है, जो कह रहा है नहीं हो सकता है उसको मैंने ढेर सारा पढ़ा दूंगा. ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने तुमने ढेर सारा रियल लाइफ में करवा रखे हैं. एडियाबेटिक प्रोसेस जिसको तुम बोल रखे हो एडियाबेटिक प्रोसेस, तो कैसे हो रहा है? बिना हीट इंट्रैक्शन के अगर हो सकता है काम, तो भैया होना चाहिए ना. अब अगर रियल लाइफ में नहीं हो तो बहुत थोड़ा सा हीट के इससे काम चल जाएगा. ठीक है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या कहेगा भाई? तो इसमें जरा देखना निकाल के, ये तो और उल्टा करता है. अच्छा चलो एक और चलो, इसमें देखो आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम जानते हो कि जो इंटरनल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के. यहाँ पर टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में जैसे ही चेंज नहीं होगा तो आप जानते हो कि डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल डब्ल्यू. क्या ऐसा हो सकता है क्या? जितना हीट दोगे यहाँ पर कैलकुलेट करके तुम देख भी सकते हो, जितना हीट दोगे उतना ही काम करके आ जाएगा. ठीक है, काम तुम निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, अगर कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है जितना हीट दोगे उतना काम करके दे, ये 100% एफिशिएंसी दे रहा है, यानी कि ये सेकेंड लॉ का वायलेशन है. कैसे भाई? ठीक है, तो ये सब मुझे बताओ, कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जाके बस बता दे कि कैसे ये हो गया. ठीक है, यहाँ मैंने वायलेशन करके दिखा दिया आप लोगों को, और यहाँ मुझे बता दीजिए कोई. अभी अभी हम लोगों ने PMM-1 पढ़ा
और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। और मैंने आपको एक मशीन बना के दिखा दिया जो बिना बाहर से कोई हीट लिए हुए, बिना कोई एनर्जी लिए हुए भी काम कर रहा है, ठीक है। कोई है जो इसका बता सकता है एक्सप्लेनेशन कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या ये सही में PM1 है, ठीक है, या रियल लाइफ में नहीं हो सकता, जो भी है, तो कमेंट से मुझे बता दीजिए और सही एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा अपने वीडियोज में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आगे मैं इसका आंसर तो दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यदि आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए भैया, वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। उससे भी तो पूछना है, ये वो भी देख लो, बहुत जो ज्ञानी बनता है, बहुत बड़े बड़े ट्यूशन पढ़ रहा है, 1.5 लाख रुपया दे दे के, उससे ही पूछ लो कि उसको भी आता है क्या इसमें, या उससे ही पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं एन्थैल्पी। एन्थैल्पी के कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी इसको भी इसका आंसर भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था।